बट ये देखना है कि पहला पार्ट कितना मैथोलॉजी से स्टिक रहता है या फिर बिल्कुल ही डिरेल हो जाता है। हाय गाइस, मैं शांतनु, ये है ऑनेस्टली सेइंग। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैं ट्रेलर रिव्यूज नहीं करता, बट ब्रह्मास्त्र को लेके पर्टिकुलरली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड था, एंड आई वाज पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड कि भैया इसका ट्रेलर रिलीज हो और हमें झलकी देखने को मिले कि ये इतने सालों से अयान मुखर्जी और उनकी टीम बना क्या रही है। एंड बाय गॉड गाइस, 100 बातों की एक बात बोलूं तो ट्रेलर ना तबाही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की, जिसको लेके हर किसी को डाउट थे, हर कोई चिंतित था कि क्या इस पिक्चर के VFXs जस्टिस करेंगे इस पिक्चर को। सबसे पहली बात तो ये यार कि इसका VFX और CGI को ना प्लीज मार्वल या हॉलीवुड की एक्शन पिक्चरों से, सुपर हीरो मूवी से कंपेयर मत करना। इसको कंपेयर करना है तो करो पृथ्वीराज और भुज जैसी पिक्चरें जो रीसेंट पास्ट में आई हैं और हैवीली डिपेंडेंट थी VFX और CGI इस पे, और अनडाउटेडली उनका बहुत ही वाहियात और भद्दा VFX और CGI था। बट ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार इसका बहुत थ्रू द रूफ तो नहीं है, बट जितना भी इन्होंने VFX और CGI पे काम किया है ना यार, काफी अच्छा और काफी इंटेलिजेंट वर्क लग रहा है देख के। वाइब्रेंस है, अलग अलग कलर्स यूज करे गए हैं, बहुत जबरदस्त सा एक एक्सपीरियंस देखने को आया। अगर आप इसको HDR 4K पे देखोगे, देन यू वुड रियलाइज कि इतने नकली नहीं लग रहे हैं VFX और CGI। अब इस पिक्चर से लोगों की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन यही है कि भैया हमारे को माइथोलॉजी के बारे में बताओ इन एन एंटरटेनिंग वे। आई एम प्रीटी श्योर कोई नहीं देखना चाहता एक लॉन्ग और ड्रॉन आउट सड़ी सी टिपिकल हग्गू हग्गू बॉलीवुड लव स्टोरी, जो इस पिक्चर के ट्रेलर में है। बट आई होप सो कि वो वहीं तक जितना उसका बनता है वो उतना ही रहे ट्रेलर में, और ज्यादा से ज्यादा पिक्चर अस्त्रों के ऊपर बेस्ड हो, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि मल्टीपल तरह के अस्त्रों के बारे में बात करी गई है। इनफैक्ट ये तक भी बताया गया है कि भैया रणबीर कपूर के पास जो अस्त्र होता है, इनफैक्ट वो खुद ही अग्नि अस्त्र होता है। क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। ट्रेलर में एक और चीज काफी जबरदस्त लगी मुझे, और वो ये थी कि इन्होंने सारे के सारे एक्टर्स के ना ऑरास क्रिएट करे हैं। अब मे बी वो डिपेंडेंट है उनके अस्त्रों की शक्ति पे, या मे बी वो डिपेंडेंट है कि भैया वो कौन से भगवान का रूप धारण करेंगे इसके अंदर, या मे बी लूजली पोर्ट्रे करेंगे कौन से गॉड को। बट देन अगेन, जो वो CGI और VFX करा गया है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। स्पेशली एक हनुमान जी वाला आता है, उसका ऑरा क्रिएट होता है, वो बहुत जबरदस्त है, और नंदी बैल का। इनफैक्ट जो ट्रेलर खुलता है वो ट्रक को सीधा रणबीर कपूर ऐसे हाथ करके मारता है, और वो एक्चुअली रणबीर कपूर नहीं, वो नंदी बैल का ऑरा होता है जो हेड ऑन कोलाइड करता है ट्रक के साथ। दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। ट्रेलर में हर मेजर कास्ट मेंबर को दिखाया गया है, ये झलक दिखाई गई है कि उनके पास सपोजिटली कौन से अस्त्र की ताकत हो सकती है, और उन सब की एंट्रीज दिखाई गई हैं, और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्माई गई है। इनफैक्ट ट्रेलर से जो वाइब आई, ट्रेलर से जो फीलिंग आया ना, उसको देखने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ब्रह्मास्त्र शायद RRR में जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लार्जर देन लाइफ क्रिएट करा गया था उसको टक्कर दे सकता है, या फिर इनफैक्ट उसको सरपास भी कर सकता है। जल वायु। अच्छा एक बात सपोज करो, अगर तुम्हारे से कोई ये क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम्हें लगता है ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, और इसका आंसर तुम्हारे को देना है मात्र यस और नो में, और यही यस और नो पे अपना ओपिनियन देने के लिए तुम्हें अगर मिले पैसे तो कितना बढ़िया लगेगा। नहीं तो एक ऐसी ही ऐप के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं जहां तुम अपने ओपिनियन ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, और ऐप का नाम है TradeX। ये एक ऐसी ऐप है जहां क्विकली पैसा बना सकते हैं बाय ट्रेडिंग योर ओपिनियंस इन अ सिंपल यस और नो ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, क्रिप्टो एंड मेनी मोर। इंस्टेंट मैच नाम के शॉर्ट टाइमलाइन इवेंट्स भी होते हैं जहां पर आप अपनी कॉमन सेंस और नॉलेज यूज करके झट से पैसा बना सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इन इवेंट्स के शेयर्स खरीद सकते हैं अपने पॉकेट के मुताबिक। मैं एक इवेंट के शेयर्स खरीद रहा हूं और इस इवेंट में जो क्वेश्चन है उस पर बिड कर रहा हूं, और क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या दिल्ली में जून 2022 में पेट्रोल के प्राइस मोर देन या फिर इक्विवेलेंट हो जाएंगे 110 रुपए प्रति लीटर के। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये शेयर जब मर्जी बेच सकते हैं, चाहे आप प्रॉफिट में हो या चाहे आप घाटे में हो। तो अगर आप ये ऐप अपने दोस्त को रेफर करते हो और वो सक्सेसफुली इसको डाउनलोड करके यूज करते हैं तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10 रुपए ऐड हो जाएंगे आपके ट्रेडिंग बैलेंस में। तो मियां यस और नो बोलने का पैसा मिल लिया, किस बात की देर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
क्लिक करके डाउनलोड करो ऐप को। ऐप डाउनलोड करते हुए मेरा कोड यूज कर लेना शान 20, 20 रुपए तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे जो तुम्हारे को स्टार्ट दे देंगे ट्रेडिंग करने का। अब बॉलीवुड माइथोलॉजी पे बेस्ड पिक्चरों को लेके एक जगह पे काफी पर्टिकुलरली हक देता है और वो है कि इन लोगों को जब पता होता है कि पिक्चर VFX और CGI पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो ये करते क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द बजट एलोकेट कर देते हैं CGI और VFX पे और स्टोरी डेवलपमेंट, स्टोरी रिसर्च, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटिंग पे ध्यान ही नहीं देते। एंड आई होप कि ऐसा ना हो, बेसिकली इतना ज्यादा जोर ना दे दिया जाए VFX पे कि उसको इतना ओवरडू ओवरकिल कर दिया कि भैया वो कार्टूनिस्ट फिल्म लगने लगी है रादर देन बीइंग अ माइथोलॉजिकल फिल्म। एक चीज और, कोई मुझे ये बताएगा कि इसमें रणबीर कपूर का इंट्रोडक्टरी शॉट है आलिया के साथ, वो देखने के बाद मुझे ये जवानी है दीवानी क्यों याद आ रही थी और शायद तुम लोगों को भी आएगी। कौन हो तुम? क्या हो तुम? एक चीज और जो मुझे काइंड ऑफ अ स्पॉइलर लगी और मुझे लगा वो शायद ये ट्रेलर में ना दिखा के उसको होल्ड बैक कर सकते थे, वो था कि इन्होंने ये चीज ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी इस ट्रेलर के थ्रू कि भैया रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर प्ले करता है DJ शिवा का, एक DJ होता है एंड उसको अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी ताकतों के बारे में पता ही नहीं होता, जो एक कॉन्सेप्ट है जो हम हर सुपर हीरो मूवी में आज तक देखते आए हैं। ऑल्दो दैट्स नॉट बैड बट आई थिंक सो कि भैया ये उसको होल्ड बैक करके रख सकते थे और पिक्चर में ही डिस्क्लोज कर सकते थे। जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है। अब माइथोलॉजी को पर्दे पे उतारना, इनफैक्ट 2 से 3 घंटे की एक पिक्चर में उतारना काफी मुश्किल हो सकता है अगर डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग काफी अच्छी ना हो। बट देन अगेन डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी जो काफी ज्यादा यंग और टैलेंटेड हैं एंड इनफैक्ट ये पिक्चर 2014 से मेकिंग में है, 300 करोड़ रुपए इसका बजट है, तो आई होप इन्होंने अच्छी तरह रिसर्च करी हो यार, अक्षय कुमार की तरह घास ना काटी हो। और ये जो भूल भुलैया में बात उठी थी ना कि भाई हमारे को तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, गो विद जीरो एक्सपेक्टेशन तो पिक्चर तुम्हें अच्छी ही लगेगी, यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। इस पिक्चर से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, इनफैक्ट इस पिक्चर के ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ने बहुत लंबे टाइम बाद हगने की ना ठान ली है और इस पिक्चर में हगा नहीं है उन्होंने जैसे वो हर बार हगते हैं। रणबीर सालों के बाद अपनी हाइबरनेशन से निकला है और आई एम प्रीटी श्योर कि उसने 102% इस पिक्चर में अपना दिया होगा। और अगर फिर ये वही वाला जो बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग है कि भैया बॉयकॉट कर दो क्योंकि वो नेपो किड है, ये सब बेकार की बातें हैं भाई। रणबीर कपूर एक अच्छा खासा एक्टर है, ही इज टाइम एंड अगेन प्रूवन हिमसेल्फ। एक और साइ ऑफ रिलीफ ये है कि भैया ये पिक्चर फाइनली एक रीमेक नहीं है, बट ये देखना है कि पहला पार्ट कितना माइथोलॉजी से स्टिक रहता है या फिर बिल्कुल ही डिरेल हो जाता है, पटरी से उतर जाता है और एक बेसिकली एक लव स्टोरी दिखाने लग जाता है। अगर ये पिक्चर डन राइट होती है, अगर ये पिक्चर बहुत जबरदस्त तरीके से होती है जो ट्रेलर में देखने से लग तो रहा है कि भैया होगी, बट देन अगेन हम सबको पता है कि भाई बॉलीवुड कैसे हक देता है, आई होप सो वो ना हगे इस पिक्चर को लेके। अगर ये पिक्चर डन राइट होती है तो ये पिक्चर बॉलीवुड की जो डूबती नैया है ना उसको बचा सकती है। तो भैया 300 करोड़ ए लिस्ट एक्टर्स, लगभग 10 साल की मेहनत, बट देन अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू क्या पिक्चर ये अच्छी होगी, क्या ये पिक्चर बॉलीवुड को बचा पाएगी, अब ये तो पिक्चर देखने के बाद ही पता लगेगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ट्रेलर्स को और रिव्यू करूं तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले रिव्यू में। मामा मिया, लजाने पपी, बाय बाय।